अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है नाश्ते का टाइम, और बहुत दिनों बाद सुबह सुबह नाश्ते से व्लॉग स्टार्ट किया, तो वेरी गुड मॉर्निंग। और आज ना नाश्ते में पराठा लेने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा ना बस बॉयल्ड एग ले लिया जाए और बस कुछ ब्रेड शेड खा ली जाए। जी बेटा, जब भी मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, ये ताहा मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। एक्चुअली मैं ना रात के टाइम पे नहीं करती, दिन में ही वॉइस ओवर करती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों रात में करने से बहुत अजीब सा लगता है ना। और इधर देखे ना, स्टील वाला ग्लास मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अब तो ना लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं स्टील वाले ग्लास में पानी पीने से, हालांकि कितनी अच्छी चीज़ है ना। आप लोग बताएं ज़रा, आप लोगों में से ना किस किस के घर यूज़ होते हैं अभी तक? तो मतलब ये तो चीज़ें हैं कुछ ऐसी कि बस ख़त्म ही होती जा रही हैं हमारे लाइफ से। और स्टील वाले ग्लास में मैंने बहुत मतलब जो है ना अब कम हो गए हैं। हाँ शुक्र है अभी तक गांव में है। लेकिन इसकी जगह जो प्लास्टिक के ग्लास हैं उसको हम उसमें पीना जो है ना ज़रा फिर भी कहते हैं हाँ फ़ख्र की बात समझते हैं, कि जो वो अजीब से ऊपर कार्टून्स वगैरह बने होते हैं तो बच्चे जो है ना अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ भी। लेकिन ये है ना, अगर पेरेंट्स पिए, अगर आप लोग घर में बड़े पीते हो ना, तो बच्चे भी इजीली मतलब उन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। और ये जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा थी इस तरह की चीज़ें। और इसमें मेरे पास ना एक और ग्लास हैं, बड़े से हैं वो, बहुत बड़े से हैं स्टील के, वो मैं कभी दिखाऊंगी आपको। जो लस्सी के जिस तरह के गांव में नहीं होते बड़े बड़े, उस तरह वाले भी हमने रखे हुए हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को किसी दिन। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये मतलब मेरे ख्याल में तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रखनी चाहिए घर में। और जब हम बड़े यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है बच्चे जो है ना वो तो वही करेंगे जो हम करते हैं। तो बस बच्चों को सिखाने के लिए ना ये याद रखें कि जो चीज़ बच्चों को सिखानी है ना वो आप खुद करना शुरू कर दें, बच्चे यूँ चुटकियों में कर लेंगे। अच्छा पता क्या है, मेरा बातों में मुझे याद आ गया, जो ताहा है ना हर बात पे बोलेगा मम्मा चौली थैंक यू। और इसकी पता है रीज़न क्या है, कि वो जब छोटा था ना, मतलब मैं ये दोनों वर्ड्स उसके साथ बहुत यूज़ करती थी। मतलब जब भी वो मुझे कोई चीज़ पकड़ाता, कुछ भी ऐसा होता, तो वो ना तो मैं उसको सॉरी बोलती, और जब वो मुझे कोई चीज़ देता तो मैं उसे थैंक यू बोलती। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ना यूज़ टू हो गया इन टू वर्ड्स का ना। हालांकि जो मेरे बड़े हैं उनको मैंने सिर्फ बताया था कि ये सॉरी बोलते हैं और या फिर जो है ना थैंक यू बोलते हैं दूसरों को, लेकिन ना बताने से चीज़ें नहीं काम करती। अब ये बड़े वाले जो है ना वो जो है ना भूल भी जाते हैं, कम यूज़ करते हैं, कभी कर लेते हैं कभी नहीं, जैसे बच्चे हैं ना। लेकिन जो ताहा है इसकी तो ऐसी पक्की हैबिट डेवलप हो गई है कि मतलब ऐसे कुछ ना भी हो ना, अभी मतलब बहुत छोटा है ना, 2 साल का है, तो कोई बात ना भी हो सॉरी बोलने वाली, उस पर भी कहेगा मम्मा चौली। तो जो चीज़ बच्चों को सिखानी है, बताने का मकसद सिर्फ ये था कि वो आप खुद पे पहले प्रैक्टिस करें, खुद उसको ना अपनी हैबिट बनाए, अपने लाइफ में उसको ऐड इन करें, तो बच्चों में तो वो आ ही जाएगी। हाँ जी, तो मेरी तो बातें एक टॉपिक पे शुरू हो गई थी, और मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप बहुत तेज़ बोलती हैं। पता नहीं यार, मैं 2-3 दफ़ा वॉइस ओवर सुनती हूँ और फिर ट्राई करती हूँ कि आहिस्ता बोलूँ, लेकिन फिर नेचुरल होता है ना, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हाँ जी, इधर देखें, ये भी बच्चों की फरमाइश है। और पेट्स होने चाहिए घर में कि नहीं होने चाहिए, ये माहद को बहुत ख्वाहिश है ये पेट्स की। और पहले इसने पैरट्स मंगवाए, और अब ये इतने दिनों से मुर्गियों के पीछे लगा हुआ था कि मैंने ना चूज़े लेने हैं, मुर्गियाँ नहीं चूज़े लेने हैं। तो बस एक्चुअली इसके दोस्त है ना, उसके घर बहुत से चूज़े ये देख के आया था, छोटे छोटे न्यू बॉर्न ना, तो बस तब से इसने जिद लगाई हुई थी। क्या है ताहा, व्हाट इज दिस? कोको किधर है? और मैं ले आई, और बच्चे जो है ना बहुत खुश हैं जब से ये चूज़े आए हैं। और इनको अभी तक तो हमने कोई अरेंजमेंट नहीं की कहीं रखने की, कोई प्रॉपर इनकी जो है ना जगह नहीं बनाई, तो बस ये नीचे शीट डाल के, तो बस ये बकेट में जो है ना बस गुजारा ही चल रहा है।
मज़ा आता है ना घर में कुछ कोई पेट हो तो। सही बात है, मुझे खुद बहुत अच्छा फील हो रहा है जब से ये आए हैं ना घर में, बहुत अच्छा चेंज मैं खुद फील कर रही हूँ ना। और वैसे भी इधर ना एक थी हमारी हमसाई ना, उनका बच्चा जो है ना बहुत कम बोलता था और ऐसे एक्टिव नहीं था, मतलब जैसे ना घर वालों से भी अलग थलग रहना इस तरह का था। तो वो डॉक्टर के पास जब गई है ना कंसल्ट किया उन्होंने, तो डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था कि आप बच्चे को कोई पेट लेके दें, इसका फेवरेट कोई पेट लेके दें। तो बच्चा जब उससे बातें करेगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता वो टॉकेटिव होता जाएगा, बोलने लग जाएगा। तो मैंने मेरा माहत भी ना थोड़ा कम एक्टिव बच्चा था, मतलब वैसे माशाल्लाह इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन ना मुझे लगता था कि वो छोटे दोनों से ना शरारती कम है। और मैंने उसको लेकिन पेट्स का बहुत शौक है, तो बस अब उसी की के लिए आते जा रहे हैं पेट्स। और इधर बिरयानी को मैं दम दे रही थी और आपसे बातें मैं पेट्स की कर रही हूँ। कासिम को बिरयानी पसंद है और माहद को पुलाव पसंद है, मतलब एक मशरक है तो एक मगरिब है, एक ज़्यादा बोलता है तो एक कम बोलता है, एक शरारती है तो एक नहीं, मतलब पहले तो बिल्कुल नहीं शरारती था, अब थोड़ा होता जा रहा है। माहद जैसे बड़े होके बच्चे कम शरारती हो जाते हैं ना, ये अब होता जा रहा है, लेकिन मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। अच्छा, पेट्स का मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक ये भी है कि जो बच्चे पेट्स रखते हैं ना उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, और वो मतलब एक उनमें सेंस ऑफ ओनरशिप भी आ जाती है। मतलब जब हम कोई चीज़ ओन करते हैं ना, किसी चीज़ को हम अपना कहते हैं, तो हम अपने आप में ना खुद को बहुत ही सेटिस्फाइड फील करते हैं ना। तो मतलब हम बड़ों के पास तो ओन करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, हम माँ बाप कह देते हैं ये हमारा घर है, ये हर चीज़ हमारे पास है, ये हमारा सेल फोन है, ये है वो है, मतलब कोई चीज़ ऐसी हैं कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिकली हमारे साथ ही मतलब रिलेट करती हैं, जिसमें किसी दूसरे का कोई मतलब शेयर नहीं है। तो पेट्स अगर बच्चों को दें और उनको कह दें कि ये आपका है और ये आपका है, मैं इसीलिए 3 लाई थी और इनके हमने अभी तक नाम रखने हैं, अभी पता चल जाए मुर्गा मुर्गी, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसके नाम रखेंगे, लेकिन 3 हैं और तीनों बच्चों के हैं, एक एक कासिम, माहद और ताहा का। मैं फिर आपको दिखाऊंगी कौन सा किसका है। तो इससे ये मैं बच्चों में ना ये होता है कि उनको केयर करने की हैबिट होती है, कि हमें चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह डील करना है, किस तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है तो हमने उसको टाइम देना है, तो वो फिर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज अ बर्डन नहीं लेते और एक बहुत अच्छी सी ना उनके अंदर जो है ना बिहेवियर जो नरिश हो जाता है, केयरिंग बिहेवियर। तो आई थॉट पेट्स और प्लांट्स जो है ना बच्चों को देने चाहिए घर में, एक एक कि हाँ इसको आपने वाटरिंग करनी है, इस प्लांट्स को उसको पेट को आपने फीड करना है, तो बच्चे भी हैप्पी रहेंगे और बस सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये था आज का व्लॉग और ये थी कुछ बातें जो आप लोगों से शेयर करनी थी। आई होप यू इन्जॉय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।